हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर में आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कंपटीशन के तौर पर बीएससी क्लासेस के तो साथ है ही हैं, लेकिन ये कंपटीशन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीजीटी, सीएसआईआर नेट और भी अदर्स कंपटीशन है, गेट वगैरह में ये बहुत यूज होते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखना। तो मैं कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 11 क्वेश्चन लिख लिए हैं, 10-12 और कराऊंगा। और हाँ, ये वीडियो या ये लेक्चर तभी अच्छा लगेगा कि इससे पहले आपने सारे लेक्चर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के कर लिए हों, क्योंकि वहाँ मैंने ये सब कुछ बताया है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, लिमिट कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते, एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है और सीरीज को हम कैसे खोलते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने हो तो आपको लिखना है MCQ BSc कोचिंग अलीगढ़, तो सारे MCQ निकल आएंगे। आपको जो चैप्टर लिखना है डिफरेंशियल कैलकुलस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन BSc कोचिंग अलीगढ़, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे हर चैप्टर के। क्लियर? तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू x-10x/x, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक बात बताएं, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक बार आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। अगर मैं लिमिट रखता हूं तो 0/0 आ रहा है। आइए, तो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x-10x/x, और सबसे सरल तरीका, अगर आप पर डिफरेंशियल नहीं आता तो 10x की सीरीज खोल दीजिए। कहां तक खोलेंगे? जितनी यहां हाईएस्ट पावर होती है। तो x-10x की सीरीज x से शुरू होती है अपॉन x, ये x-x/x ये कट गया, 1-1/1 0। क्लियर? आपको कितनी जल्दी सॉल्व करना है वो देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसका सी पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन टू लेते हैं। एक्स टेंस टू 0 a^(x-b)/x/x, इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि सीरीज तो आपको शायद याद नहीं होगी। एल हॉस्पिटल ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल -b^(x)/(log b)/1, लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे तो यहां बचेगा log a, यहां बचेगा log b, इसका मतलब आंसर आ गया a/b। आप देखिए, मुझे एक मिनट नहीं लग रहा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। डी पार्ट मैंने लिखा नहीं है, नन ऑफ दीज, तो डी पार्ट आप खुद लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री लिख रहा है x/π/2 sec x-10x। पहले इसे ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लीजिए, ये होता है 1/cos x, ये -k/sin x/cos x, 1-sin x/cos x, एल हॉस्पिटल लगाइए ऊपर -k cos x/-k sin x, ये हो गया cot x, इसका 0, इसका -cos x -sin x, लिमिट लगाएंगे x/π/2, तो cot π/2 अर्थात 1/10π/2, 1/∞ की वैल्यू 0। आइए देखते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या लिख रहा है, लिमिट x/1 sec π/2x (log x). लॉग एक्स को कभी चेंज नहीं करते, उसके पास जो होता है उसे हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं log x/cos π/2x, एल हॉस्पिटल ऊपर का डिफरेंशियल, नीचे -k sin π/2x, और π/2x का 1। चलिए इसे हम लिमिट रखते हैं x/1, यहां रखोगे 1, यहां रखोगे -k sin π/2, यहां रह गया π/2, ये तो 1 हो गया, -1/π/2 -k 2/π, तो कौन सा आंसर सही है? इसका बी पार्ट सही है, बी इज द राइट आंसर। वहां में माइनस नहीं लग रहा था, माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे कॉस गया, एक बार डिफरेंशियल करोगे तो -k sin आएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन फाइव में तो बस वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडिटर्मिनेंट, हमें यह देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। देखो ये मैंने आपको बताया है दूसरे लेक्चर में इस पर क्वेश्चन है, इस पर लॉग क्वेश्चन है, और तीसरे लेक्चर में इस पर क्वेश्चन है, यहां वन की पावर इन्फिनेटी होती तब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग टेन एक्स अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल रूल, लॉग के अकॉर्डिंग वन अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इसका डिफरेंशियल वन, इसे लिख सकते हैं आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसे नीचे ले जाइए कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप लिमिट रख दीजिए यहां जीरो यहां वन, वन अपॉन जीरो इन्फिनेटी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में कौन सा आंसर सही है, यहां तो आंसर सही नहीं बता रहा, फिर चेक करिए लॉग टेन एक्स, लॉग के अकॉर्डिंग वन अपॉन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक कॉस थ्री कॉस, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिमिट लगाएंगे जीरो तो यहां जीरो यहां वन, वन अपॉन जीरो की वैल्यू इन्फिनेटी, इसका मतलब यहां इन्फिनेटी कर लीजिए, ए इज द राइट आंसर। कुछ मिस्टेक हो गई होंगी बुकों में से ही दिखाए। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटी लॉग एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, एल हॉस्पिटल, लेकिन शर्त है जब ए इज ग्रेटर देन वन हो, ए इज ग्रेटर देन वन का मतलब है अगर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनेटी आएगा, एल हॉस्पिटल वन अपॉन एक्स, यहां ए की पावर एक्स लॉग ए, इसे लिख सकते हैं ऐसे वन अपॉन एक्स ए एक्स लॉग ए, लिमिट रखेंगे तो यहां इन्फिनेटी टोटल तो ये जीरो, आइए कौन सा आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर एट चेक करते हैं, क्वेश्चन एट में क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स और लॉग एक्स, लॉग एक्स को चेंज नहीं कर सकते तो लॉग एक्स अपॉन कुसेक एक्स, अब आप एल हॉस्पिटल लगाओ वन अपॉन एक्स और इसका हो गया माइनस के कुसेक एक्स का कुसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कुसेक एक्स का माइनस कुसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके साइन एक्स अपॉन ये एक्स, ये ऊपर जाएगा टेन एक्स, इसे मैं अब कैसे सेट करता हूँ, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इसको टेन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स की डिवाइड एक्स की मल्टीप्लाई, अगर आप लिमिट रखेंगे यहाँ वन तो माइनस वन इंटू वन और यहाँ लिमिट रखेंगे तो जीरो अर्थात टोटल जीरो। क्वेश्चन नंबर आठ का ए पार्ट सही है, एक एक मिनट में निकाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन, लिमिट एक्स टेंस टू वन लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एल हॉस्पिटल वन अपॉन एक्स, इसका मान वन बचा वन अपॉन एक्स, आप लिमिट रखेंगे तो कितना आ गया वन अपॉन वन अर्थात वन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दस देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल ए एक्स लॉग ए, इसका जीरो अपॉन वन, लिमिट रखेंगे ए की पावर जीरो की वैल्यू वन, क्या बचा लॉग ए अर्थात लॉग ए, इसका मतलब दसवें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन ग्यारह देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इन टू लॉग एक्स, मैंने कई बार बोला है लॉग एक्स चेंज नहीं होता, एक्स को चेंज कर सकते हैं तो लॉग एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल लॉग का वन अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट के माइनस एक्स, लिमिट रखेंगे तो टोटल जीरो, ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स,
इसे मैं कैसे कर सकता हूं? अगर लिमिट लगाता हूं तो फॉर्म 0/0, साइन 0 की वैल्यू 0। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर का डिफरेंशियल कॉस ए एक्स इंटू ए, नीचे कॉस बी एक्स इंटू बी। अगर लिमिट लगाएंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ए बचा, यहां 1 हो जाएगा बी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट लगाओगे तो 0/0। एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे, लिमिट रखोगे सेक 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब बी पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन 14, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1+x की पावर ये हो, या लिमिट चेंज कर देता हूं मैं इन्फिनेटी, तो यहां हो जाएगा 1/x और यहां हो जाएगा x। सॉल्यूशन क्यों करें, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर लिमिट 0 है और जितना यहां हो x यहां ऊपर होगा, इसका उल्टा पावर में हो तो उसे हम e कहते हैं विद साइन के। अब यहां इन्फिनेटी है तो x अपॉन में है, इसका उल्टा यहां x, इसे भी हम e कहते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर या इसका आंसर दोनों में ए पार्ट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहां लिखी नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1+nx की पावर x। अभी मैंने बताया था जितना यहां है इसका उल्टा हो तो मैं e कह सकता हूं। तो देखिए कैसे बना रहा हूं, 1+nx की पावर 1/nx, लेकिन यहां केवल x है, इसका मतलब मैंने n की यहां डिवाइड करी है, तब n की मल्टीप्लाई होगी ऊपर, लिमिट लगा दोगे तो अंदर वाले को अब e कहते हैं और पावर यहां है ही। इसका मतलब e की पावर n, c इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं एक एक मिनट में। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां अगर डिफरेंशियल करोगे तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, डिफरेंशियल वैसे आसान है, लेकिन मैं सीरीज बता रहा हूं। साइन x की सीरीज x से शुरू होती है और साइन इनवर्स x की सीरीज भी x से शुरू होती है, और लेक्चर 1 में मैंने सारी सीरीज लिखी है, रूल्स बताए हैं, तो आप ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्टिव के लेक्चर जरूर देखें, जिससे कि यह लेक्चर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो साइन एक्स की सीरीज एक्स से शुरू और इसकी सीरीज भी एक्स से शुरू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कट गया 1। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1/(x-1)(x). अब यहां अगर लिमिट रखते हैं तो इनडिटर्मिनेंट बन रही है 0 × ∞, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/(x-1)। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब फॉर्म बन जाएगी 0/0, क्योंकि यहां 1/∞ की वैल्यू 0। एल हॉस्पिटल, इसका डिफरेंशियल a की पावर 1/(x) log a, अब 1/(x) का माइनस के 1/(x², इसका 0, इस 1/(x) का माइनस के 1/(x², इससे ये कट गया। आप यहां लिमिट रखेंगे तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू log a, तो log a आंसर इसका सही है, b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटी 1+a/(x) की पावर x। अभी बोला था यहाँ x अपॉन में है, लिमिट इन्फिनेटी है तो e बन जाएगा, लेकिन कब? जितना यहाँ है इसका उल्टा पावर में होना चाहिए, तो 1+a/(x) की पावर x/a, लेकिन x तो है यहाँ a की डिवाइड, तो a की मल्टीप्लाई, इस लिमिट को यहाँ में रख देंगे, ये तुरंत e हो जाता है और पावर a। इसका मतलब ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर एक्स, इसे सॉल्व करते हैं। लेट ए एंड टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ए इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं
वन अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल रूल, वन अपॉन एक्स इसका माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट रखोगे जीरो तो टोटल जीरो, लॉग ए इक्वल जीरो, ए इक्वल ई की पावर जीरो का मान वन, इसका मतलब ये आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, यहां लिखे देता हूं एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर एक्स। अब मेरी बात समझना, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर यहां जीरो रख दोगे तो जीरो की पावर जीरो ये फॉर्म बन रही है, अगर यहां इन्फिनिटी रखोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी की जीरो पावर वन अपॉन इन्फिनिटी की जीरो। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या होगा, वन ही होगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो लेट वन अपॉन एक्स इक्वल टी, अब लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो गई, तब ये क्वेश्चन बन गया टी टेंस टू जीरो टी की पावर टी। यहां एक्स है यहां टी है, कोई परेशानी नहीं, आंसर सेम। आइए क्वेश्चन 21 रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स प्लस वन की पावर वन अपॉन एक्स, इसे मैं लॉग लूंगा दोनों ओर क्योंकि पावर में होगा ही नहीं, लेक्चर 3 में सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं। तो लॉग ए ये पावर पहले आ जाती है, लॉग ए की पावर एक्स प्लस वन, इसे लिख सकता हूं ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल लॉग के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस वन, अंदर का करोगे आप ए की पावर एक्स लॉग ए, अभी यहां एक्स है ये मिस्टेक हो गई है शायद, तो यहां एक्स लॉग के अकॉर्डिंग यहां एक्स रखिए, लॉग के अकॉर्डिंग ये अंदर का ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस इस एक्स का हो गया वन अपॉन इस एक्स का वन। अब आप लिमिट रखिए एक्स टेंस टू जीरो तो यहां ए की पावर जीरो की वैल्यू वन, यहां हो गया जीरो यहां वन, तो लॉग ए प्लस वन इतना बचा, ये किसके बराबर चल रहा था लॉग ए, लॉग ए प्लस वन, इसे इधर ले आइए लॉग ए माइनस लॉग ए इक्वल टू वन, इधर ले जाता हूं लॉग ए अपॉन ए क्योंकि रूल्स है इक्वल टू वन, तो a अपॉन a ये गया e की पावर वन ये स्मॉल a, अर्थात a इक्वल टू हो गया a इंटू e, ये e है, देखिए कौन सा आंसर सही है, a इज द राइट आंसर। तो देख लो मुझे कैसे याद आ गया, क्योंकि मैंने बहुत बार करे हैं क्वेश्चन, यहां वन नहीं था x था, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन कम से कम 10-10 बार करना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन के आंसर भी रट जाएंगे, ठीक है।